एस एम न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आइए तफसीलात पर एक नज़र डालते हैं। नाम असमा बेगम है मेरा। मेरे हस्बैंड का नाम इरफानुल्लाह खान है, उनके वालिद साहब का नाम अनवरुल्लाह खान है और मेरी शादी जो है 7 अक्टूबर को हुई सो है। 9 अक्टूबर को वलीमा था। 10 अक्टूबर के दिन जो है मेरे गोल्ड वगैरह ले लेके जो है चले गए, भाभी के ने छोड़ दे के ये बोल के गए कि आता हूँ आके ले लेके जाता हूँ। उसके बाद आए नहीं तो मैं 14 अक्टूबर को राजेंद्र नगर पीएस में कंप्लेंट दी थी। फिर उसके बाद 23 को दी मैं, तब भी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ। लेकिन आज मैं एसीपी साहब को आके कंप्लेंट देने से उन्होंने जो है मेरी एफआईआर दर्ज कर ली और कुछ ना कुछ मदद करते बोल के बोल रहे, लेकिन जो है कोई एक्शन नहीं लिए, कोई प्रोटेक्शन नहीं लिए रहे लोग। आप क्या चाह रहे हो? मैं तो वो लड़के के साथ ही रहना चाह रही मैं, क्योंकि मेरा जो खर्चा हुआ मैं ये नहीं कि खर्चा हुआ छोड़ देना, क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद होती इसमें। फिर अगर मैं कर ले भी नहीं सकती दूसरों। आप कहाँ पे रहते? मैं बेगमपेट पुलिस लाइन में रहती। मैं कहाँ रहती? ससुराल हैप्पी होम का है। माँ बेगम बोल के 25 ईयर्स ओल्ड वुमेन, अभी पुलिस लाइन में डीसीपी साहब को रिप्रेजेंटेशन दिया, अभी मिले। उसका हस्बैंड, उसकी 2017 में शादी हुआ, वो इरफान उल्ला खान से शादी हुआ। उसका वर्षन से इरफान उल्ला खान इससे पहले फर्स्ट वाइफ आए, फर्स्ट वाइफ के साथ 3 बच्चा, 3 इश्यूज भी आया, चिल्ड्रन भी आए। उन्हें बोले तलाक हुआ, तलाक हुआ, खुला ले लिया उन्हें औरत। उसके बाद से उन्हें वाइफ नहीं बोल के उसे चीटिंग करके उसे शादी करके, शादी करने के बाद वो 2-3 महीना रखे, अभी उसको घर को मिनिमम मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, हरासमेंट कर रहे बोल के कंप्लेंट करे, उसके ऊपर हम केस कर रहे हैं। केस करके इंक्वायरी करके उसके एक्शन लेते। पब्लिक अवेयरनेस के लिए बोलो सर। पब्लिक अवेयरनेस के लिए देखो भाई, हम लोग एक सेलफोन या टीवी खरीदने से पहले 3-4 शॉप जाते हैं हम लोग। कोई बच्ची को किसी के घर पे देने से पहले उसका कैरेक्टर क्या है, उसका शादी हुआ नहीं हुआ, शादी हुआ तो ले या तो लीगल डाइवोर्स हुआ नहीं हुआ, उसका कोई इनकम जनरेशन क्या है, कोई बच्ची को कहीं खाना खिलाते नहीं खिलाते, वो देख के मिनिमम गारंटी रहे तो मिनिमम कोई बच्ची को उसका कोई मिनिमम रिस्पेक्टेबल लाइफ दिया तो उसको घर पे भेजने का मीनिंग है। कोई चोर कोई कुछ काम ही नहीं करते। इससे पहले पहले वाइफ से 3-4 बच्चे है, वो उसको पालना नहीं सके तो दूसरा ये बच्ची से शादी करके क्या करते उन्हें? माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ बाप का नहीं भाइयों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बच्ची आपके घर में कैसा है, वो शादी करने के बाद में आपके घर से कितना सेफ है, वो हस्बैंड के साथ भी उतना सेफ रिस्पेक्टेबल रहना, वैसा फैमिली के जैसे करना। कोई ऐसा चीटिंग करे तो भी इनिशियल करे तो इंक्वायरी करना, इंक्वायरी करके शादी दिया तो उसका भी लाइफ अच्छा रहता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता।